नमस्कार दोस्तों, अ डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एंजल ब्रोकिंग और इंडिया इन्फोलाइन IIFL के कंपैरिजन के बारे में। ये दोनों प्रख्यात फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स हैं भारत के, और इस कंपैरिजन में हम चर्चा करेंगे इन कंपनीज के बैकग्राउंड्स की, खाता खोलने के, मेंटेन करने के शुल्क की, ब्रोकरेज चार्जेस की, एक्सपोजर या लेवरेज कितना दिया जाता है, रिसर्च की प्रोमिनेंसी क्या है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की परफॉर्मेंस कैसी है, और भी कुछ अन्य फीचर्स के बारे में चर्चा करेंगे जिससे आप अनुमान लगा सके कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा स्टॉक ब्रोकर ज्यादा उपयुक्त है। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इन दोनों कंपनीज के बैकग्राउंड्स की। अब जब भी हम एक अच्छे फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर की बात करते हैं तो आपको उसकी हिस्ट्री, उसकी लेगेसी के साथ कनेक्ट कर लेना चाहिए। अब एंजल ब्रोकिंग और IIFL जैसे स्टॉक ब्रोकर कुछ डेकेड्स पुराने हैं। दोनों फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर हैं। एंजल ब्रोकिंग 1987 में एस्टैब्लिश हुआ था, वहीं इंडिया इन्फोलाइन 1995 में स्थापित हुआ। आज पूरे भारतवर्ष में इंडिया इन्फोलाइन की 4,400 ब्रांचेस हैं, जिसमें सब ब्रोकर और फ्रेंचाइज ऑफिसेज आते हैं। एंजल ब्रोकिंग भी 900 शहरों में उपलब्ध है अपनी 8,500 सब ब्रोकर तथा फ्रेंचाइज ऑफिसेज के साथ। तो उस मामले में दोनों स्टॉक ब्रोकर्स काफी विशाल हैं अपनी कवरेज के साथ, अपनी एज के साथ भी। दोनों स्टॉक ब्रोकर्स BSE, NSE कुछ कम्युनिटी एक्सचेंजेस के मेंबर्स भी हैं। अगर आप इनके साथ खाता खोलना चाहते हैं तो एंजल ब्रोकिंग आपसे ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट के लिए कोई शुल्क नहीं लेता है। ट्रेडिंग अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपको हर साल 450 रुपए की राशि देनी होती है, लेकिन अगर आप अपना इनिशियल डिपॉजिट 50,000 या उससे ज्यादा देते हैं तो आपको आपकी AMC से छुटकारा मिल जाता है, वो भी फ्री हो जाती है। इंडिया इन्फोलाइन के साथ ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आपको 750 और डीमैट अकाउंट के लिए 555 रुपए देने हैं। ये वन टाइम कॉस्ट है, ये जो 1200 या 1300 रुपए लगेंगे ये आपको पहली बार जब आप खाता खुलवाएंगे तभी देने हैं, लेकिन जब आपको डीमैट अकाउंट को मेंटेन करना है उसके लिए हर साल आपको 300 रुपया देना होगा। अगर हम बात करें हम ब्रोकरेज की, अब ये कमीशन है जो आपको आपकी ट्रेड्स पे इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स को देना होगा। काफी प्लान्स भी हैं इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स के पास, लेकिन अगर हम ऊपर से बात करें तो एंजल ब्रोकिंग आपसे डिलीवरी के लिए 0.16%, जो कि काफी कम हो जाता है, से 0.4% ब्रोकरेज चार्ज करता है आपकी ट्रेड वैल्यू का। इंडिया इन्फोलाइन वही फ्लैट 0.5% आपको ब्रोकरेज चार्ज करता है। अब इनके जो ब्रोकरेज प्लान है उन पे नजर डालते हैं ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि आपके लिए ये प्लान्स उपयुक्त हैं या नहीं। अब हम पहले बात करते हैं एंजल ब्रोकिंग की। एंजल ब्रोकिंग के पास चार प्लान्स हैं, एंजल क्लासिक, प्रेफर्ड, प्रीमियर और रिलाइट। इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं adigitalblogger.com का। तो ये चार प्लान डिपेंड करता है कि आप इनिशियल डिपॉजिट कितना देते हैं, उसके बेस पे आपका प्लान सेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इनिशियल डिपॉजिट 10,000 है तो आपको क्लासिक प्लान दिया जाता है, उसमें आपको डिलीवरी के लिए 0.4% के हिसाब से ब्रोकरेज चार्ज की जाती है। प्रेफर्ड में 25,000 के साथ 0.28%, प्रीमियर में 50,000 के इनिशियल डिपॉजिट के साथ 0.22%, और इलाइट में आपको 1,00,000 या उससे ज्यादा के ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस देने पे 0.16% इक्विटी डिलीवरी चार्ज किया जाता है। बाकी सेगमेंट्स की ब्रोकरेज भी आप देख सकते हैं, जितना इनिशियल डिपॉजिट देंगे उतनी ब्रोकरेज आपकी कम की जाती है, जितना चीनी डाली जाएगी उतना वैल्यू आपको मिलेगा। उस हिसाब से काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान्स हैं, कुछ ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है अपने क्लाइंट्स के लिए। अब देखते हैं इंडिया इन्फोलाइन आपको क्या क्या ब्रोकरेज प्लान्स देता है। अब इंडिया इन्फोलाइन के केस में थिंग्स थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे जितना इजी हो सके। अब तीन प्लान्स हैं। पहला प्लान है वेरिएबल ब्रोकरेज प्लान। अब डिपेंड करता है कि आपका जो टर्नओवर है, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है, वो कितना है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में मंथली लेवल पे लगा के चलिए। तो अगर आप 1,00,000 से कम का ट्रांजैक्शन करते हैं पूरे महीने, खरीदा और बेचना मिला के बात हो रही है, तो उसमें आपकी डिलीवरी का ब्रोकरेज 0.60% लगेगा। वहीं अगर आप 5 से 10,00,000 का ओवरऑल टर्नओवर निकालते हैं उस महीने में तो आपकी ब्रोकरेज 0.45 हो जाती है। और अगर आप काफी हैवी ट्रेडर हैं तो अगर आप 200,00,000 मतलब के करीब 2 करोड़ रुपए की ओवरऑल टर्नओवर करते हैं तो आपकी ब्रोकरेज रह जाएगी 0.15%। तो डिपेंड करता है कि आप कितना टर्नओवर करते हैं, उस हिसाब से आपकी ब्रोकरेज कैलकुलेट की जाती है। बाकी सेगमेंट्स पे भी आप नजर डाल सकते हैं, ये लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे।
दूसरा प्लान है फ्लैट लेवल पे, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्टली आपको डिलीवरी में 0.5% लगाया जाता है, इररिस्पेक्टिव कि आप कितना टर्नओवर करते हैं, कितना डिपॉजिट देते हैं, कोई नेगोशिएशन नहीं है, डायरेक्टली आपको उस हिसाब से ब्रोकरेज लगाई जाती है अलग अलग सेगमेंट्स पे। तीसरा प्लान है वैल्यू एडेड सब्सक्रिप्शन प्लान। अब इसमें डिपेंड करता है कि आप इनिशियल सब्सक्रिप्शन चार्ज कितना देते हैं। मान लीजिए कि आपने 2500 रुपये का सब्सक्रिप्शन बाय किया, तब आपको ये जो भी सब्सक्रिप्शन रहेगा 12 महीने के लिए वैलिड रहेगा, मान्य रहेगा। तो अगर आपने पूरे साल के लिए 2500 का वैल्यू एडेड सब्सक्रिप्शन प्लान लिया, तो पूरे साल आपको 0.35 ब्रोकरेज देनी होगी, तो आपकी ब्रोकरेज डायरेक्टली काफी कम हो गई है उस मामले में। अगर वहीं आप 15,000 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तब आपकी ब्रोकरेज और भी कम हो जाती है 0.2% पर। अब और नीचे जाइए, अगर देखिए कि अगर आप इनिशियल डिपॉजिट 1,00,000 तक जाते हैं, तब आपका ब्रोकरेज रह जाता है 0.07% डिलीवरी के लिए। इंट्राडे नहीं है, ये डिलीवरी का वैल्यू है, इंट्राडे 0.007% चला जाता है। अब जितना आप सब्सक्रिप्शन के लिए चार्ज देंगे, 12 महीने आपको उतना ही ब्रोकरेज चार्ज किया जाएगा। अब एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो भी वैल्यू आप इस सब्सक्रिप्शन प्लान में दे रहे हैं अप फ्रंट वैल्यू पे लेवल पे, तब ये जो भी वैल्यू रहेगा ये नॉन रिफंडेबल होगा, आपको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। ये आपका इनिशियल डिपॉजिट नहीं है, ये आपका सब्सक्रिप्शन चार्ज है। उस हिसाब से आप अपने प्लान का चुनाव कीजिए, उस हिसाब से आपकी ब्रोकरेज लगाई जाएगी। तो जहां तक बात है प्राइसिंग प्लान्स की, फ्लेक्सिबिलिटी की, अपने क्लाइंट्स का नजरिया देखने की, तो IFL डेफिनेटली काफी बढ़िया तरह के ब्रोकरेज प्लान्स अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता है। एक क्लाइंट अपने ट्रेडिंग बिहेवियर, ट्रेडिंग कैपिटल को देखते हुए किसी भी पर्टिकुलर प्लान का चुनाव कर सकता है। अगर हम बात करें एक्सपोजर की, लेवरेज की, तो जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो पहले ये बता दें कि एक तरह का लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे। मान लीजिए कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए है, अब एंजल ब्रोकिंग के साथ आप इंट्राडे इक्विटी में 1,00,000 रुपए तक की ट्रेड प्लेस कर पाएंगे, क्योंकि इनका एक्सपोजर अप टू 10 times तक जाता है। डिलीवरी में वही वैल्यू 3 गुना है। IFL आपको इंट्राडे में 20 गुना तक एक्सपोजर देता है। अब ये बहुत सारे मायनों पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना आपको एक्सपोजर मिलता है, किस बेस पे मिलता है, लेकिन आपको ये वैल्यूज, ये लिमिटेशंस जरूर ये दोनों स्टॉक ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। हालांकि हमें ये बताना जरूरी है कि जो भी एक्सपोजर का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा रिस्की है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, नए हैं स्टॉक मार्केट में, तो इसका इस्तेमाल थोड़ा ध्यान से कीजिए, कॉशियसली कीजिए, काफी रिस्की कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें कस्टमर सर्विस की, जो अभी बहुत ही महत्वपूर्ण मायना है किसी भी फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर का, तो उस लेवल पे दोनों स्टॉक ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग और इंडिया इंफोलाइन आपको काफी तरह के कम्युनिकेशन चैनल्स प्रोवाइड करते हैं। लाइव चैट का फीचर एंजल ब्रोकिंग में हुआ करता था कभी कभी, लेकिन अभी के लिए ऑफ है। तो उस लेवल पे नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स बराबर हैं, लेकिन जब बात आती है क्वालिटी की, जब बात आती है कि आपके प्रॉब्लम को कितनी जल्दी सॉल्व किया जाता है, आपके प्रॉब्लम का समाधान कितने अच्छे से किया जाता है, आपको कितना फोकस दिया जाता है एज ए क्लाइंट, तो उस मामले में इंडिया इन्फोलाइन काफी बेहतर है एंजल ब्रोकिंग से। एंजल ब्रोकिंग कस्टमर सर्विस आप एवरेज मान सकते हैं। अब बात आती है रिसर्च की, ट्रेडिंग कॉल्स की, फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल पे। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में और एक्सपेक्ट करते हैं अपने स्टॉक ब्रोकर से कि रेगुलर लेवल पे आपको रिपोर्ट्स प्रोवाइड करें, ट्रेडिंग कॉल्स एनालिसिस प्रोवाइड करें, तब ये दोनों स्टॉक ब्रोकर आपको ये सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब बात आती है एक्यूरेसी की, तो IFL मार्जिनली बेटर है एंजल ब्रोकिंग से। हालांकि ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन अगर एक पिक करना हो तो आप इंडिया इन्फोलाइन के साथ जा सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग ने भी कुछ नए इनिशिएटिव्स लिए हैं। इन्होंने रिसेंटली आर्क नाम से एक रिकमेंडेशन इंजन लॉन्च किया है, जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग रिकमेंडेशंस देता है, कम्प्लीटली ऑटोमेटिव। इसका रिव्यू और डेमो भी हमने किया है, इसका वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। जहां तक बात है ट्रेडिंग सेगमेंट्स में की, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देख सकते हैं दोनों स्टॉक ब्रोकर्स आपको इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, IPOs, करेंसी, कमोडिटी और भी कुछ अन्य निवेश के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको ये अलाउ करते हैं इन्वेस्टमेंट्स। तो ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों में से कोई भी पिक किया जा सकता है। और कुछ अन्य फीचर्स की अगर चर्चा करें, तो ज्यादा डिफरेंस यहां पे भी नहीं दिखता। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग IFL प्रोवाइड करता है, तो रोबो एडवाइजरी जैसे हमने आर्क के बारे में बताया, तो एंजल ब्रोकिंग प्रोवाइड करता है। वहीं मार्जिन फंडिंग का कॉन्सेप्ट आपको इंडिया इन्फोलाइन के थ्रू मिलता है। अब हम बात करेंगे इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की, जिसमें मोबाइल ऐप है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर भी है।
सबसे पहले बात करते हैं इनके मोबाइल ऐप के परफॉर्मेंस की और देखते हैं कि आपके लिए कौन सा ज्यादा बढ़िया है। तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर का। एंजल ब्रोकिंग की मोबाइल ऐप रेटेड है 3.8 पे करीब 4,540 यूजर्स द्वारा, उसमें से करीब 22% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। तो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन स्कोर करीब 78% 78% के करीब बनता है। अगर हम देखें एंजल ब्रोकिंग का फोकस, तो ये अपनी ऐप को 3 या 4 हफ्तों में अपडेट करते हैं, जो कि एक अच्छा नंबर है। लास्ट अपडेट 11 अप्रैल 2017 को देखा गया था। नंबर ऑफ इंस्टॉल्स की बात करें तो ये ऐप 1 से 5 लाख बार इंस्टॉल की जा चुकी है। अगर हम कुछ क्लाइंट से बात की तो उसमें कुछ कंसर्न जरूर सामने आए, जैसे कि इस ऐप के परफॉर्मेंस इश्यूज हैं, स्पेशली अगर आप लोअर इंटरनेट कनेक्शन बैंडविड्थ यूज करते हैं या छोटे शहर में। बड़े शहरों में भी ये दुविधा देखी गई है कुछ मामलों में, तो आपको परफॉर्मेंस लेवल पे कंसर्न जरूर आ सकते हैं। दूसरा इशू है यूजर एक्सपीरियंस यूजेबिलिटी को लेके। तो इस ऐप को इनिशियली समझने में आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि इनका यूजर एक्सपीरियंस नेविगेशन इतना क्लीन नहीं डिजाइन किया गया है जितना कि एक ऑप्टिमल मोबाइल ऐप से एक्सपेक्ट किया जाता है। तो रिकमेंडेशन लेवल पे हम आपको तभी बता पाएंगे। पहले हम इंडिया इन्फोलाइन की मोबाइल ऐप देखते हैं, फिर बताते हैं कि इन दोनों में से कौन सी ऐप ज्यादा बढ़िया है। तो इंडिया इन्फोलाइन की ऐप IIFL Markets जो है रेटेड 4.4 पे करीब 20,121 यूजर्स द्वारा, उसमें से 10% यूजर्स ने इस ऐप को नेगेटिवली रेट किया है। तो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन स्कोर करीब 90% बनता है, 90%, जो कि काफी एक अच्छा नंबर है। ये ऐप लास्ट समय 9 मार्च 2017 को अपडेट की गई थी। जनरली IIFL अपनी मोबाइल ऐप को 7 या 8 हफ्तों में अपडेट करता है, जिसको बेहतर किया जा सकता है डेफिनेटली। इस ऐप को 5 लाख से 1 मिलियन यूजर्स ने अब तक इंस्टॉल किया है। तो देखा जाए तो ज्यादा कुछ कंसर्न हमारे सामने नहीं आए, कुछ कंसर्न जरूर थे, इक्का दुक्का अराउंड परफॉर्मेंस को लेके था, या एक आधा इशू था, एक स्पेसिफिक फीचर जैसे पासवर्ड को अपडेट करना है तो कुछ दिक्कतें आती हैं यूजर्स को, नहीं तो इनके जो नए अपडेट्स आते हैं तो उसमें कुछ बग्स आ सकते हैं, लेकिन अदरवाइज कुछ खास इश्यूज नहीं है इस मोबाइल ऐप में। चाहे वो परफॉर्मेंस की बात हो, यूजर एक्सपीरियंस की बात हो, यूआई की बात हो, तो काफी क्लीनली डिजाइन की गई है। तो इस ऐप को हम डेफिनेटली बेहतर आंकेंगे एंजल ब्रोकिंग के मोबाइल ऐप से किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे। अब हम देखते हैं कि बाकी के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसमें वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती है या टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें कौन सा स्टॉक ब्रोकर ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। तो फिर से हम इस्तेमाल कर रहे हैं ourdigitalblogger.com का। तो सबसे पहले ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में एंजल ब्रोकिंग की बात करते हैं। पहले है इनके पास एंजल ब्रोकिंग वेब, जिसको एंजल आई भी कहा जाता था। ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिसको आप किसी भी ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, क्रोम हो, फायरफॉक्स हो या हो सफारी, तो उसमें आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। अच्छा यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, काफी लाइट वेट एप्लीकेशन है उस मामले में। अगर हम दूसरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसमें टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर की बात होती है तो उसकी बात करें, तो ये एक डाउनलोडेबल EXE है जिसको आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे डाउनलोड करना है, फिर इंस्टॉल करना है। ये एक अत्याधुनिक बढ़िया ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जिसमें आपको टेक्निकल एनालिसिस के लिए 30 दिनों की डेटा इंट्राडे लेवल पे और 20 सालों का फंडामेंटल एनालिसिस के लिए डेटा प्रोवाइड किया जाता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस लेवल पे, डेटा लेवल पे, एनालिसिस लेवल पे ये एक अच्छा बढ़िया ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। और सबसे बढ़िया बात है कि एक मैच्योर एप्लीकेशन है, काफी समय में इसको फीडबैक के द्वारा, कमेंट्स के द्वारा यूजर्स से उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है, और एक टाइम बाय टाइम एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है अपने क्लाइंट्स के लिए। अगर हम बात करें इंडिया इन्फोलाइन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, तो उसमें आपको IIFL ट्रेडर टर्मिनल प्रोवाइड करता है, अगेन जो कि एक टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको वही परफॉर्मेंस लेवल पे बढ़िया परफॉर्मेंस प्रोवाइड की जाएगी, स्पीड प्रोवाइड की जाएगी, फीचर्स भी अच्छे हैं, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इम्प्रूव किया जा सकता है। इसको ईज ऑफ यूज इसका बेहतर बनाया जा सकता है नए, स्पेशली नए ट्रेडिंग क्लाइंट्स के लिए। वहीं इनका जो वेब बेस्ड टर्मिनल सॉफ्टवेयर है काफी लाइट वेट है, हाई परफॉर्मेंस भी है, और आपको काफी अच्छा यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड देता है जिसमें आपका यूजेबिलिटी लेवल पे काफी बढ़िया फीचर्स हैं, यूआई लेवल काफी इजीली डिजाइन किया गया है, तो उस लेवल पे आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो अगर हमको एक पर्टिकुलर ट्रेडर, स्टॉक ब्रोकर इनफैक्ट आपको रेकमेंड करना हो, तो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सॉफ्टवेयर पसंद है। अगर आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन या मोबाइल ऐप के साथ जाना चाहते हैं तो इंडिया इन्फोलाइन आपको बेहतर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। वहीं अगर आप टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर के साथ जाते हैं तो एंजल ब्रोकिंग का स्पीड ब्रो एक बेहतरीन ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। तो अगेन डिपेंड करता है कि आपको कौन सी तरह का ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके बेस पे आप एक स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं।
तो ये था कंपैरिजन इन दोनों फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स के बीच में। हमने अलग अलग मायनों पर चर्चा की है, जिसमें कंपनीज के बैकग्राउंड, प्राइसिंग, कस्टमर सर्विस, एक्सपोजर, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स के बारे में बात की। अब आपको देखना है कि आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको क्या चाहिए अपने स्टॉक ब्रोकर से, उस हिसाब से आप एक स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। आप इन दोनों में से किसी एक स्टॉक ब्रोकर से कॉल बैक चाहते हैं या अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से किसी स्टॉक ब्रोकर का चयन करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक digitalbroker.com/free-call-back-broker चोर्स पर जाइए, अपनी डिटेल्स, अपनी प्रेफरेंसेस बताइए और आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से हम आपके लिए कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे, जिनसे आप बात करके अपने हिसाब से अपने लिए डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, डेफिनेटली शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल अ डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।